दिल्ली में कोरोना की वजह से दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों को अस्पतालों में बेड और दवाई और ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ रहा है। वहीं 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में रिकॉर्ड मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 27,047 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि कोरोना की वजह से 375 लोगों ने दम तोड़ दिया। हालांकि इस दौरान 25,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। राजधानी में अब एक्टिव केस करीब 1,00,000 हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पंजाब के पटियाला में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास का घेराव करने पहुंचे किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। ये किसान पिछले काफी वक्त से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के घेराव की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में मौजूद पुलिस वालों ने इन किसानों को रोक लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से बहसबाजी शुरू हो गई। किसानों को समझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वो अपने ट्रैक्टर के साथ आगे बढ़ने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान कुछ पुलिस वाले एक ट्रैक्टर के सामने आ गए। वो अपने हाथों से उस ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन इससे भड़के ड्राइवर ने ट्रैक्टर को आगे बढ़ा दिया। ट्रैक्टर को बढ़ता देख पुलिस वाले पीछे हट गए और किसी तरह अपनी जान बचाई। इस हरकत से गुस्साए पुलिस वालों ने किसानों पर लाठियां भी चलाई, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो पुलिस को चकमा देते हुए अपने ट्रैक्टरों के साथ आगे बढ़ गए। हरियाणा के सोनीपत में एक दूल्हे को बिना मास्क पहने घोड़ी पर चढ़ना महंगा पड़ गया। बगैर मास्क पहने दूल्हे की बारात की खबर जैसे ही पुलिस को मिली तो वहां पुलिस के कुछ अधिकारी भी पहुंच गए और उन्होंने बारात को रुकवा दिया। इस दौरान दूल्हा तो घोड़ी पर ही बैठा रहा, लेकिन उसके पिता को बुलाकर पुलिस ने मास्क न पहनने पर दूल्हे का चालान काट दिया। चालान काटने के बाद पुलिस के अधिकारियों ने बाकी लोगों से भी नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान दूल्हे के पिता को भी पुलिस ने हिदायत दी। जब तक चालान काटने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तब तक बारात वहीं पर रुकी रही। बाद में पुलिस ने सभी लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश देते हुए बारात को वहां से जाने दिया। तीसरे चरण का टीका अभियान शुरू होने से पहले ही कुछ राज्यों ने सरेंडर कर दिया। वैक्सीन अभियान के तीसरे चरण से पहले ही कुछ राज्यों ने टीके की कमी का दावा करते हुए हाथ खड़े कर दिए। इनमें बीजेपी की सरकार वाले राज्य भी शामिल हैं। 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार ने भी वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए लोगों से संयम बरतने की अपील की। आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा, ऐसे ही वो वैक्सीन आ जाती है हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे। वहीं राजस्थान सरकार ने साफ किया कि तीसरे चरण में जुड़ने वाले लोगों के लिए उनके पास वैक्सीन नहीं है। इतने बड़ी संख्या है बेनिफिशरीज की, अब 3 लाख डोज में हम किसको लगाएं किसको छोड़ें। नौसेना की 57 सदस्यों की एक मेडिकल टीम को अहमदाबाद के पीएम कोविड केयर हॉस्पिटल में तैनात किया गया। दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर निर्देशक केवी आनंद का चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 54 साल के थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को एक संदेश भेजा। इस संदेश में उन्होंने कोरोना संकट पर अपनी संवेदना जताई, साथ ही उन्होंने कोरोना की इस दूसरी लहर से निपटने के लिए मदद की पेशकश भी की। यूपी के रामपुर में एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से आग तेजी से भड़की और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। इस दौरान फैक्ट्री से धमाके की आवाजें भी सुनाई देती रही, जिसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आग लगने की जानकारी के बाद वहां दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और कुछ देर की कोशिश के बाद आग को बुझा दिया गया।